जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। एनआरसी हो चाहे ईवीएम हो, धारा 370 हो, चाहे तमाम मॉब लिंचिंग के केसेस हो, इसी को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर आज तमाम पार्टियां इकट्ठी हुई हैं। उन्हीं से जानेंगे कि वो सरकार से किस तरीके की मांग करते हैं। सर, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं लगातार देश में सामने आ रही हैं, जय श्री राम बोलिए और जय श्री राम ना बोलने के पीछे किसी की हत्या कर दी जा रही है, कितनी शर्मनाक अपने आप में ये घटना हो चुकी है। ये राम ही इनका नॉन एग्जिस्टेंस है, कभी पैदा ही नहीं हुआ इस मुल्क में। ये खाम खाम की फसाद करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये मुसलमानों को, हमने तो 5000 तक मारा है। मैंने कहा था कि अगर इस मुल्क में कोई आतंकवाद है तो वो हिंदू आतंकवाद है, और इन हिंदुओं ने, इन सबल हिंदुओं ने हमें 5000 साल तक मारा पीटा लूटा डरा सताया। आप समझते हैं, तो इनके आतंकवाद को एक्सपोज करना है, और एक्सपोज करने के बाद में खत्म होगा, वो इकतदार में आए वगैरह खत्म नहीं हो सकता। इनकी बदमाशी है जी, ये मुसलमानों को टारगेट करके ये मॉब लिंचिंग, दलितों को टारगेट करके ये मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। एक अजीब तमाशा है, इस देश में कोई लॉ एंड ऑर्डर के नाम की कोई चीज़ नहीं है, है? तो आज चंद चुटकी भर हिंदुओं के हाथ में, समझ, हिंदुओं के हाथ में सत्ता है, जो हमें किसी भी कीमत पर हमें चैन से जीने नहीं देना चाहते। आपने मेरी अभी बात सुनी है, तो ये मॉब लिंचिंग को रोकना है, बगैर इकतदार में आए ये काम नहीं हो सकता। इकतदार में आना पड़ेगा, हुक्मरान हिंद बनना पड़ेगा, तभी ये मामला रुकेगा, उससे पहले नहीं होगा। सर, देखने को ये मिला है कि अभी राम को लेकर के आपने एक बयानबाजी मंच से की, उसे मैं ध्यान से सुन रहा था, पर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद ऐसा है कि राम जन्म स्थान जहां बाबरी मस्जिद है, ये बताने की कोशिश लगातार मीडिया का, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी बता रहा है, बीजेपी भी बता रही है, तमाम लोग, हिंदू संगठन बता रहे हैं, तो आप किस तरीके से इन घटनाओं को देखते हैं? देखिए, मेरा साफ मानना है कि अयोध्या में राम ही नहीं पैदा हुआ तो राम मंदिर किस बात के लिए बनेगा? न था न हिस्टोरिकल कोई एविडेंस है। जहाँ तक इतिहास की बात, मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, IAS मैंने क्वालिफाइड हूँ, ये मैंने पढ़ा इतिहास में, ये कहीं ये सिर्फ ईपिक्स हैं, रामायण और महाभारत ईपिक्स हैं, इनका हिस्टोरिकल कोई एविडेंस नहीं है। यहाँ कोई इनका इतिहास नहीं, न रामायण का न महाभारत का कोई इतिहास नहीं है, ये सारी इनकी कहानियाँ हैं, झूठी कहानियाँ बना रखी हैं, और झूठी कहानियों में उन्होंने फंसा रखा है। जब राम है ही नहीं आया तो ये प्रूव करें। मैंने तो कहा सुप्रीम कोर्ट के, भाई मुझे भी टाइम दो, सुप्रीम कोर्ट मुझे भी सुना, भाई तेजी को सुना है, तब मैं सारे एविडेंस रखूंगा कि जहाँ राम पैदा ही नहीं हुआ, गाय फिर किस बात के राम के नाम पर यह हरामखोरी क्यों की जा रही है? सर, ये भी बताने की कोशिश लगातार बीजेपी RSS द्वारा की जा रही है कि देश के जो हिंदू हैं वो खतरे में हैं, पर निशाना मुसलमानों को, दलितों को बनाया जा रहा है, तो क्या सचमुच हिंदू खतरे में हैं? देखिए भाईजान, जहाँ तक हिंदू की बात है, मैंने RSS वालों से, बीजेपी वालों से, कांग्रेस वालों से, यहाँ तक कम्युनिस्टों से मैंने कई मर्तबा पूछा कि भाई इस बात बताओ, इस मुल्क में हिंदू कौन है? क्या इस देश का दलित आदिवासी पिछड़ा हिंदू है? अगर हाँ, तो इनके साथ आज इनको धन धरती शासन प्रशासन में बराबरी की हिस्सेदारी क्यों नहीं दी है? और अगर हम हिंदू हैं तो ये अपने आप को ऊंची जात का हिंदू कहने वाले हमारे साथ रोटी बेटी का ताल्लुक क्यों नहीं करते? ये नहीं करते, इसका मतलब साफ है, हम दलित आदिवासी पिछड़े लोग, इस देश के मूल निवासी लोग, हम हिंदू हैं ही नहीं, बल्कि हमें जबरन हिंदू बनाया गया, जबरन मार मार के हिंदू बनाया गया है, जबरन अपने उनके शैतानों की पूजा करवाइए, समझ रहे ना? तो हम लोग हिंदू नहीं है, बिल्कुल साबित होता है। मुझसे बात करें जी, सुप्रीम कोर्ट मुझसे बात करें, मैंने लगाई भी आपने कहना कि बाबरी मस्जिद के ऊपर मुझे सुना जाए, जब इस मुल्क में राम पैदा नहीं हुआ किस बात की फसाद कर रहे हो? बताया जाए कि हाँ हिंदू कौन है? 1994 का एक जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, 3 जजों की बेंच का, वो जजमेंट कहता है इस देश में हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, गीता रामायण महाभारत धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जैसे 2003 की 7 जज की बेंच ने उसको डिटो किया है कि यहाँ हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, फिर फसाद किस बात की है? ये पॉलिटिकल थ्योरी है इनकी, ये कोई धर्म नहीं है इनका, ये तो अगर हिंदू धर्म है इससे बड़ा अधर्म कोई दुनिया में हो नहीं सकता। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा, बीते 6 सालों में वो हो गया है हुकूमत द्वारा जो कभी नहीं हुआ, धारा 370 हटाई गई, 3 तलाक बिल, UAPA बिल, तमाम जो बिल हैं जो खिलाफ में लाए जा सकते थे वो लाए गए, पर इस पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष के कुछ नेताओं की और कुछ पार्टियों की जो रजामंदी रही है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे TMC हो, चाहे तमाम वो पार्टियां, तो जो ये एक छलावा किया जा रहा है लोगों के साथ बीजेपी द्वारा और ये जो तमाम पार्टियां उनके द्वारा, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए साहब, बीजेपी हमारी दुश्मन पार्टी है, और दुश्मन का काम है दुश्मनी करे वो हमारे साथ में, हमें मारे फूट है, हमें कोई उनसे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जो हमारे दोस्त बनकर सेकुलर बनकर कांग्रेस,
भाजपा जो समाजवादी पार्टी, मायावती बहुजन समाज पार्टी, ये सेकुलर बन के हमारा सत्यानाश कर रहे हैं। हमें दुश्मन से गुरेज नहीं है, दुश्मन से तो निपटना है हमें। ही इज अवर, दैट इज अवर अल्टीमेट टारगेट। बट हमारे जो बीच में जो आ रहे हैं, इन बिटवीन आ रहे हैं, जिन्हें हम अपना कहते चले आए, इनका इलाज करना पड़ेगा। ये निश्चित तौर से इनका इलाज किए बगैर, और एक टू लीडरशिप, मैंने कहा ना कि हमें अम्बेडकरवाद और इस्लाम दोनों को हमें नारा लगाना पड़ेगा, अम्बेडकरवाद जिंदाबाद, दीन इस्लाम जिंदाबाद। इन दो नारों के साथ में हमें मुत्तहिद होकर इस मुल्क में हुक्मरान हिंद बनना होगा, तभी इंशाल्लाह हम अपने आप को बचा पाएंगे, अपने मुल्क को बचा पाएंगे। तो सर ने जो मैसेज दिया, जो मुल्क को बचाने का मैसेज है, अम्बेडकरवाद जिंदाबाद, दीन इस्लाम जिंदाबाद, इन्हीं नारों के बूते देश की अखंडता और एकता को बचाया जा सकता है। जो हुकूमत तमाम सालों से नफरत फैलाने की कोशिश हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम पर कर रही है, वो देश के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होता हुआ नजर आ रहा है।